उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद एक दिन के दौरे पर मिर्जापुर पहुंचे थे। आदि शक्ति माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करके पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क, सेतु और अन्य निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं, साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। शाहजहांपुर में बीजेपी पार्टी से जुड़े व्यक्ति का नाम सड़क उखाड़ने पर लिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह बसपा सपा की सरकार नहीं है कि जिसमें इस तरह की कोई हरकत करे और उसके खिलाफ कार्रवाई न हो, जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर में सड़कों के चौड़ीकरण और सेतु निर्माण के नए प्रस्ताव जल्द ही आने वाले हैं। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री लोक निर्माण जितेंद्र प्रसाद एक दिन के दौरे पर मिर्जापुर पहुंचे थे। आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी धाम पर दर्शन करने के बाद वहां चल रहे कॉरिडोर के निर्माण कार्य का उन्होंने निरीक्षण किया। मीडिया से बात करते हुए मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश के विकास में विभाग द्वारा सड़क, पुल, पुलिया और अन्य निर्माण कार्य तेजी से गुणवत्तापूर्वक कराए जा रहे हैं। सरकार द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को गुणवत्तापूर्वक कार्य करने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। शाहजहांपुर में सड़क उखाड़े जाने पर भाजपा से जुड़े एक व्यक्ति का नाम आने पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये सपा और बसपा की सरकार नहीं है जिसमें अगर इस प्रकार की हरकत कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल द्वारा जनपद में विकास की जो रूपरेखा रखी गई है उस पर भी जल्द ही काम शुरू करने का मंत्री जितिन प्रसाद ने ऐलान किया। यूपी न्यूज 9 के लिए मिर्जापुर से राजू भारती की रिपोर्ट। आज मिर्जापुर आने का सौभाग्य मिला है, हमारे साथ सभी लोग यहाँ माँ विंध्यवासिनी जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ ही साथ जो ये निर्माण निगम जो लोक निर्माण विभाग याद में आता है जो कॉरिडोर का एक महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है उसका यहाँ संस्थान ने निरीक्षण किया है और इसके बाद विभागीय समीक्षा की जाएगी और मिर्जापुर जनपद के विभिन्न सड़कें, सेतु और निर्माण कार्यों को ध्यान विश्लेषण करते हुए समीक्षा की जाएगी कि कितने कार्य चल रहे हैं, कौन से विलम्ब पे हैं और स्पष्ट निर्देश मैं पहले ही दूंगा। गुणवत्ता से कोई समझौता, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार काम करती है। हमारे साथी मंत्री आशीष पटेल जी ने मिर्जापुर के लिए आगामी जो रूपरेखा लोक निर्माण द्वारा बनेगी, बड़े सेतु हैं और बड़ी सड़कों का चौड़ीकरण है, कहीं फोर लेनों के प्रस्ताव हैं, उसके विभागीय अधिकारियों से हम लोग समीक्षा करेंगे और आगे की रूपरेखा करेंगे। शाहजहांपुर में भाजपा के जो प्रतिनिधि उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने सड़क खुदवाई, उस पर क्या कहना है? मुझे नहीं मालूम वो किस पार्टी के हैं, मगर ये स्पष्ट है कि योगी सरकार में ये पहले हुआ करता था सपा बसपा के ज़माने में कि लोग सरकारी संपत्ति का नुकसान करेंगे, मगर अब योगी सरकार के कार्यकाल में कोई भी हो, कहीं का भी हो, अगर सरकारी संपत्ति का नुकसान करेगा तो उसे पक्षा नहीं। धन्यवाद सर। विंध्याचल पहाड़ों पर जो जहाँ तक सड़कों का सवाल है, भारी वर्षा के कारण काफ़ी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, सर्वे पूरा कर लिया जाए विभाग द्वारा, रात दिन काम किया जाएगा, डबल शिफ्ट होगी और जितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं बड़ी सड़कों से लेकर गांव की ग्रामीण सड़कों तक उन पे मरम्मत का कार्य लोक निर्माण विभाग युद्ध स्तर पर करेगा।